हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 8 सोशल साइंस, हमारा ज्योग्राफी का हम जो चैप्टर कर रहे थे, ठीक है, चैप्टर 7 है और चैप्टर का नाम था एक्सटर्नल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस। तो देखिए, यहाँ पे अभी हमने जो डिस्कशन किया था वो किया था वेदरिंग के बारे में, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप वेदरिंग को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेदरिंग हमने डिस्कस किया था, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। तो ये दो तीन टाइप की वेदरिंग हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। अब देखिए, जैसे वेदरिंग के मैंने आपको काफ़ी नुकसान बताए थे, ठीक है, जिससे क्या है कि रॉक आपका डिग्रेड होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक फायदा भी यहाँ पे लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ स्मॉल रॉक पार्टिकल्स मेकअप द सॉइल। देखिए, जो सॉइल फॉर्मेशन होता है, सॉइल आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए, तो जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो होता है जो रॉक की वेदरिंग होती है। रॉक जब ब्रेक होता है तो उसके जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं से बाद में एक लंबे टाइम के बाद सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो वेदरिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है पर उसके नुकसान भी हैं, ठीक है। तो दोनों ही तरह के फायदे नुकसान होते हैं, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट हमको जो डिस्कस करना है वो है हमारा इरोजन साइकिल। इरोजन साइकिल क्या होता है? देखिए, जो बैदरिंग हो रही है, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, बैदरिंग के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, द चेंजिंग फोर्स ऑल्सो वर्क अलॉन्ग विद बैदरिंग, दीज फोर्सेस कंटिन्यूसली एक्ट टू मेक द सरफेस फ्लैट एंड दे ऑल्सो वर्क फॉर बैदरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, दिस इज कॉल्ड इरोजन साइकिल। देखिए, इरोजन साइकिल क्या होता है, जैसे कोई रॉक है, अगर उसकी बैदरिंग हो रही है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ब्रेक डाउन होकर वो वहीं पड़ा रहेगा, लेकिन कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। वो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हैं, जैसे आपका एयर हो गया, ठीक है, विंड्स हो गई, वाटर हो गया, या फिर और दूसरे टाइप के जो फ्लो में हैं, ठीक है। तो वो उस वेदर्ड मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाके डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जहाँ से वेदरिंग होगा वो थोड़ा सा हाई एरिया होगा, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ठीक है। जब मैं थोड़ा सा इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक। तो अब देखिए, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड एरिया है, ठीक है, यहाँ से इरोजन हो रहा है। अब यहाँ से जो वेदर्ड पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वो यहाँ से मूव करके कहाँ आ रहे हैं, अब ये देखिए, ये जो निचला वाला एरिया है, तो यहाँ पे आके डिपॉजिट होते जाएंगे। तो आप काफ़ी लंबे टाइम के बाद क्या देखेंगे, यहाँ का जो एरिया है सर, जो हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया है वो थोड़ा सा नीचे होता जाएगा, और जो लो एरिया है वो थोड़ा सा यहाँ से फिल होता जाएगा, इसका जो गैप है वो फिल होता जाएगा। तो एक लंबे टाइम के बाद ये जो दोनों सरफेस हैं वो कैसे हो जाएंगे, प्लेन हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं इरोजन साइकिल, और साथ ही साथ ये जो लैंड लेवलिंग का काम है इसको बोलते हैं हम सरफेस लेवलिंग, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको ये जो सरफेस बैलेंसिंग का काम है, ठीक है, यहाँ पे दो तरीके से हो रहा है, इनको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हो गया आपका लो बेस्टिंग, एक हो गया हाई बेस्टिंग। देखिए, बुक में थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया गया है, मैं इसको आपको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, आप इसको कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला है आपका लो वेस्टिंग एंड दूसरा है आपका हाई वेस्टिंग। लो वेस्टिंग क्या है, देखिए आपका ये जो एरिया है, अपर साइड वाला एरिया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए ऊपर वाला जो एरिया है, ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे, ओके, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ से जो बैदरिंग होती है, यहाँ से जो मटेरियल हटेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, डाउनग्रेडिंग होगी, ठीक है। ठीक है, डाउनग्रेडिंग का मतलब है सरफेस नीचे की तरफ जाना, तो इसको हम बोलेंगे लो वेस्टिंग, ठीक है। और यही बैदर्ड मटेरियल जब दूसरे फोर्सेस के साथ, वाटर या विंड के साथ, यहाँ जाके इस गैप को फिल करेगा, ठीक है, तो इसकी हाइट इंक्रीज होगी, तो इसको हम बोलेंगे हाई वेस्टिंग। ध्यान देना, ये सरफेस डाउन हो रहा है या सरफेस अप जा रहा है, ठीक है, तो इस बेसिस पे हम इसको लो बेस्टिंग और हाई बेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर अपर सरफेस है वो नीचे जा रहा है, तो ये हो गई आपकी लो बेस्टिंग, और यहाँ पे सरफेस जो है वो गैप फिल हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे हाई बेस्टिंग। अब ठीक है, अब देखिए आगे, और इसको दो पार्ट में और बोला है, स्पीड के हिसाब से भी इसको यहाँ पे अलग अलग दो पार्ट में बांटा है, जो है आपकी स्लो बेस्टिंग एंड रैपिड बेस्टिंग। देखिए, बुक में आप पढ़ेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, मुझे लगता है इसको थोड़ा सा एडिट करना चाहिए। तो अब कौन से दो पार्ट है, स्पीड के हिसाब से, देखिए स्लो बेस्टिंग एंड रैपिड बेस्टिंग, तो इनको हम आगे डिस्कस करते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्लो बेस्टिंग एंड रैपिड बेस्टिंग, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ स्लो बेस्टिंग का क्या मतलब।
देखिए यहाँ पे स्लो वेस्टिंग का मतलब होता है जो मटेरियल है, ठीक है, जो ऊपर से जो मटेरियल आ रहा है वो काफ़ी स्लो स्पीड से आ रहा है। सपोज कोई रॉक हुआ, उसकी वेदरिंग हुई, ठीक है, उसके बाद वो विंड के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू वो क्रीप करते हुए धीरे 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 आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो मटेरियल ऊपर से नीचे आता है, सपोज ये है, यहाँ से आपका रॉक मटेरियल है जो वेदर्ड हुआ है और वो नीचे आ रहा है, साथ क्या बह रहा है यहाँ पे, पानी आ रहा है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, जो हाइट में जो फर्क होता है, देखिए यहाँ की जो हाइट है, यहाँ की जो हाइट है, देखिए कोई भी चीज अपर हाइट से नीचे की तरफ धीरे धीरे क्रीप करती हुई आती है, तो मेनली जो वर्क होता है वो होता है ग्रेविटी की वजह से। कोई भी चीज ऊंची हाइट से नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली आती है, ठीक है, तो मेनली किस वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है। लेकिन यहाँ पे जो वाटर है या विंड है वो अपना एक रोल प्ले करते हैं और स्किन स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो जब ये स्लो स्पीड से आएगा, धीरे धीरे आएगा, तो इसको हम बोलेंगे स्लो वेस्टिंग, ठीक है। अब किसी किस केस में आप देखेंगे, कभी कभी जो वेदर्ड मटेरियल होता है वो बहुत स्पीड से और बहुत बड़ी मात्रा में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करता है। वो कौन सा केस होता है, सपोज देखिए अगर कहीं मड है, ठीक है, अगर यहाँ से बहुत सारी मात्रा में मड आती है तो बहुत सारा मटेरियल बहुत तेजी से यहाँ आके इसको फिल कर देगा, ठीक है। अगर आप कहीं देखेंगे लैंडस्लाइड होता है, आप अगर माउंटेनियस एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी माउंटेन है, कोई भी पहाड़ का एक हिस्सा है, वो टूट के नीचे गिर जाता है, तो नीचे का जो गैप है उससे फिल हो जाता है। तो जब बहुत स्पीडली ये वर्क होता है तो इसको हम बोलते हैं फास्ट रैपिड वेस्टिंग, ठीक है। तो मैं आप आशा करता हूँ दोनों समझ गए होंगे। पहला अपन ने क्या पढ़ा, लो वेस्टिंग एंड हाई वेस्टिंग, ठीक है, जो हाइट से रिलेटेड था, और दूसरा है स्लो वेस्टिंग एंड रैपिड वेस्टिंग जो कि स्पीड से रिलेटेड है। अब देखिए दो वर्ड और आप सीख लीजिए, डिग्रेडेशन एग्रेडेशन। तो जो हायर लैंड है, ऊंचा जो जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, जहां से रॉक या सॉइल की वेदरिंग हो रही है और वो नीचे आ रही है, तो वो नीचे जा रहा है, तो उसको बोलेंगे डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। और जो लो एरिया है, ठीक है, जहाँ पे सॉइल फिल हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कि उस पॉइंट का एग्रेडेशन हो रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, इसको क्लियर करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ द रनिंग वाटर इन रिवर। देखिए जो रनिंग वाटर होता है वो सरफेस बैलेंसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज वेदरिंग किसी जगह पे हो गई, ठीक है, वो मटेरियल वहीं पड़ा रहेगा, तो उसको एक जो हाइटेड एरिया है वहां से उसको लो लेइंग एरियाज में लाना जरूरी होता है। तो ये वर्क मेनली होता है विंड एंड वाटर के द्वारा। तो विंड के द्वारा काफी टाइम लगता है इसमें, लेकिन वाटर इसको बहुत रैपिडली करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा पढ़िए, सम पार्ट ऑफ, देखिए रेन वाटर जो होता है उसका बहुत सारा पार्ट क्या हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है, बहुत सारा नहीं, कुछ मात्रा में पार्ट एवेपोरेट हो जाता है, और सम सीप्स इनटू द अर्थ, ठीक है, बहुत और कुछ मात्रा में जो है वो अर्थ में सोक हो जाता है, ठीक है, नीचे ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका जो मैक्सिमम जो पार्ट है वो फ्लो होता है, ठीक है, हाई एरिया से, माउंटेन एरिया से जब वो आता है काफी स्पीड में आता है और फ्लो करते हुए आता है। तो जो फ्लोइंग वाटर है वो फंक्शन परफॉर्म करता है, कौन सा फंक्शन, सरफेस बैलेंसिंग का। कैसे, हाई एरिया से वो सॉइल या मिट्टी या जो वेदर्ड रॉक है उसको लेके आएगा और लो लेइंग एरिया में उसको रखेगा, ठीक है, छोड़ देगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ जो मिट्टी है वो एक नई नई लेयर की मिट्टी बनती रहेगी, काफी फर्टाइल सॉइल होती है, और इससे सरफेस बैलेंसिंग भी होती रहती है। द वर्क एरियाज ऑफ रिवर्स आर क्वाइट वास्ट, द रिवर्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल टू द माउथ मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से जो मिट्टी है उसको लाके जमा करती जाती है, उससे अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म वहां पे क्रिएट होते हैं। अब जो फ्लोइंग वाटर होता है, ठीक है, वो दो तीन अलग अलग काम करता है। पहला होता है इरोजन, ठीक है, इरोजन कई चीज़ों से हो रहा है, मैंने आपको बोला विंड से भी होता है, जैसे मान लो कोई रॉक है, ठीक है, उससे बहुत स्पीड से हवाएं टकरा रही हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो थोड़ा धीरे 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 लॉन्ग टर्म में 1000 ईयर 2000 ईयर में थोड़ा सा इरोड हो जाता है, लेकिन वाटर के केस में ये काम थोड़ा सा जल्दी होगा। तो अगर बहता हुआ पानी, ठीक है, फ्लोइंग वाटर जो होता है, अगर वो किसी भी रॉक से या किसी भी सरफेस से जाता है तो कुछ ना कुछ वहां से उसका जो हिस्सा है वो ब्रेक कर देता है, तो इसको बोलते हैं इरोजन, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो फ्लोइंग वाटर है वो क्या कर रहा है, इरोजन कर रहा है, ठीक है, आपकी मिट्टी को या रॉक्स को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, उनके फाइन पार्टिकल्स को ब्रेक कर रहा है। उसके बाद उन फाइन पार्टिकल का वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर रहा है, अपना जो वाटर का फ्लो होता है उसके साथ वो क्रीप करते हुए धीरे 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 आगे बढ़ते जाते हैं, और उसके बाद डिपोजिशन कर देता है। डिपोजिशन का क्या मतलब है, जो लो लेइंग एरिया है कहीं पर जाके वो पार्टिकल सेटल हो जाता है और फिर परमानेंट वहीं पर रहता है। तो सबसे पहले इरोजन करता है, ब्रेक करता है उनको, ठीक है, इस क्योंकि स्पीड में आता है, फिर उनको अपने साथ बहा के लेता है दूसरी जगह और फिर लो लेइंग एरिया में उसको डिपॉजिट कर देता है। तो ये तीन स्टेप्स आपका फ्लोइंग वाटर करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इरोजन के बारे में। फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर हैव थ्री फंक्शंस, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। तो फर्स्ट फंक्शन है इरोजन। तो इरोजन क्या है, देखिए जो रिवर वाटर होता है
वो हाईलैंड से माउंटेनियस एरिया से जब फ्लो होता हुआ आता है तो अपने साथ बहुत सारे स्टोन पार्टिकल्स को लेके आता है। अभी स्टोन पार्टिकल्स अलग अलग साइज के होते हैं, कुछ बहुत छोटे होंगे, कुछ मीडियम साइज के होंगे, कुछ थोड़े बड़े हो सकते हैं, नॉर्मली ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। तो ये सारा जो मटेरियल है, जो फ्लो ऑफ वाटर है, ठीक है, वाटर फोर्स के साथ फ्लो होते हुए क्रीप करते हुए नीचे से आता है, तो इस मटेरियल को बोलते हैं बेड ऑफ रिवर, क्या सॉरी बेट ऑफ रिवर, क्या बोलते हैं, ये रिवर का बेट कहलाता है। अब देखिए ये जो रिवर वेट है, ठीक है, ये जो स्टोन पार्टिकल्स हैं वो रिवर के लिए वेदरिंग करने के लिए एक टूल्स की तरह वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं, सपोज आप एक पत्थर का टुकड़ा लीजिए और उसको मिट्टी में जोर से खरोंच कीजिए उससे, ठीक, स्क्रैच कीजिए, तो वहां से मिट्टी निकल के आएगी। तो ये जो स्टोन पार्टिकल्स हैं वो यही करते हैं, धीरे धीरे जैसे ही वो फ्लो होते हैं अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को स्क्रैच करते हुए चलते हैं, और फ्लो ऑफ वाटर के साथ वो जो मिट्टी है, सॉइल है, ठीक है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करती हुई जाती है। दीज मटेरियल वर्क बाय रबिंग एंड कटिंग द बॉटम एंड बैंक्स ऑफ रिवर, दिस मेक द रिवर बॉटम डीप एंड बैंक्स मोर वाइड, ठीक है। क्या हो रहा है, जो स्टोन्स पीसेस हैं जो रिवर अपने साथ लेके आई थी, ऊपर से बेदर्ड रॉक टुकड़े जो हैं, ठीक है, वो बाद में रब कर रहे हैं रिवर के बेड को, ठीक है, जो लोअर पार्ट होता है रिवर का, वहाँ वहीं फ्लो करते हैं। ऑब्वियसली वो पानी के साथ नहीं रहते हैं, नॉर्मली नीचे क्रीप करते हुए आते हैं, तो उसको स्क्रैच करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से मिट्टी निकलती है, तो इसकी वजह से जो रिवर बेड होता है वो थोड़ा सा डीप होता जाता है, गहरा होता जाता है, साथ ही साथ जो रिवर बैंक्स होते हैं वहाँ से भी इरोजन होता है और वो उनका साइज थोड़ा सा बाइड होता जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरोजन, ठीक है, इसी को हम इरोजन बोलते हैं। द वर्क ऑफ इरोजन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाटर। देखिए किस रिवर में इरोजन किस स्पीड से होगा, रैपिडली होगा, स्लोली होगा, ये डिपेंड करता है कि कितना वाटर है और वहां पे वो वाटर फ्लो रेट जो है वो कैसा क्या है। अब द स्लोप ऑफ रिवर एंड द शेप ऑफ रॉक्स, द रिवर क्रोजन हैपन्स इन फोर वेज। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, चार अलग अलग तरह से रिवर क्रोजन होता है। पहला है जिसको हम बोलते हैं एब्रेशन, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, द पीस ऑफ रॉक मूव विद द फ्लो स्केचरिंग एंड शिफ्टिंग द बॉटम ऑफ रिवर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्रेशन। एब्रेशन में क्या हो रहा है, जो स्टोन पीसेस हैं जो ऊपर से बहते हुए आ रहे हैं, ठीक है, वो स्क्रैच कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो रिवर ऑफ बॉटम है वो कैसा हो रहा है, थोड़ा सा डीप होता जाता है, गहरा होता जाता है, ठीक है। इसी वजह से जो नदियां होती है वो कभी ऐसा नहीं, देखिए आपने देखा होगा बहुत सारा मटेरियल ऊपर से आता है लेकिन कभी ऐसा नहीं है कि वो रिवर पूरी फिल हो गई, नहीं, फिल होने की वजह वो डीप होती है, क्यों, ये स्क्रैचिंग की, एब्रेशन की वजह से, स्क्रैचिंग की वजह से, ठीक। सेकेंड है जो इरोजन का टाइप है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर्ड है, अगर आप देखें सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन ऑफ आयंस बीन कैरेट एंड देयर सॉल्यूशन इन रिवर वाटर रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इरोजन। देखिए बहुत सारे ऐसे रॉक्स होते हैं, ठीक है, जिनमें ऐसे केमिकल्स होते हैं, लाइक लाइमस्टोन हो गया या कुछ दूसरे और रॉक्स हैं, तो वो जब पानी के साथ मिलते हैं तो वो उसमें घुलने लगते हैं, ठीक है, तो जैसे ही पानी के साथ मिलेंगे घुलेंगे तो आयंस रिलीज हो जाते हैं और वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो वो जो घुला हुआ रॉक है, ठीक है, सपोज लाइमस्टोन है, जैसे ही रिवर का फ्लो है वहाँ पे तो उसके साथ वो मेल्ट होने लगता है, घुल जाता है, और फिर वो सॉल्यूशन के फॉर्म में रिवर बेड में नीचे नीचे धीरे धीरे आगे बढ़ता है और किसी दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो जाता है और वहाँ पे दोबारा से वो लाइमस्टोन की शक्ल ले लेता है। तो एक ये तरीका हो गया। अब देखिए थर्ड जो टाइप है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्शन, ठीक है, आप अगर पढ़ पा रहे होंगे तो इसमें क्या है, द फ्लोइंग वाटर विथ इट्स ओन पावर एक्सर्ट पार्टिकल्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द बेड एंड बैंक रिजल्ट इन हाइड्रोलिक एक्शन, बीक बेडरॉक एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिगोलिथ आर इजिली कार्व्ड आउट बाय हाइड्रोलिक एक्शन। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो पानी का स्पीड है, पानी का फ्लो है, देखिए पानी का भी प्रेशर होता है, अगर आप पानी को काफी प्रेशर से एक पाइप से पानी ले और मिट्टी पे उसको मारें तो वहां से मिट्टी हट जाती है, तो सेम तरीके में जो रिवर है और रिवर वाटर अगर काफी अच्छी फ्लो में आ रहा है तो वो काफी प्रेशर एग्जर्ट करता है रिवर बेड पे, तो इसकी वजह से अगर रिवर बेड में कहीं मिट्टी है, ठीक है, नॉर्मल सॉइल है, तो वो इजीली वहां से वाइप आउट हो जाती है, उसको वो अपने साथ फ्लो करके ले जाता है। या फिर कुछ ऐसे कुछ स्टोन्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो बहुत वीक होते हैं, उनको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, तो उस टाइप का रॉक भी अगर होता है तो वो वाटर फ्लो के साथ ब्रेक हो जाता है और वहां पे कैविटी बन जाती है, ठीक है। तो ये होता है आपका हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन में क्या हो रहा है, वाटर फ्लो जो हो रहा है तो उसके प्रेशर से वेदरिंग हो रही है, ठीक है, कटिंग हो रही है, ठीक है, आपका रिवर बेड की। थर्ड है रोलिंग एंड स्लाइडिंग। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये काफी अच्छा है, रोलिंग पेबल्स एंड स्टोन रब अमंग। देखिए
जो पेबल्स आने होता है पत्थर के टुकड़े छोटे छोटे गोल, तो स्टोन्स होते हैं। तो अब अगर वो क्रीप करते हुए आ रहे हैं रेबर बैट में, नीचे 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 क्रीपिंग करते हुए धीरे धीरे आते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो रेबर बैट से तो टकराते हैं, साथ ही साथ वो आपस में भी एक दूसरे को रब करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट दे बी ब्रेक इंटू स्मॉल पार्टिकल। तो वो आपस में घिस घिस के ब्रेक हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो पॉइंटेड पीसेस टर्न इंटू राउंड। ठीक है, तो आप सपोज जो ऊपर से रॉक्स आ रहे थे, वो हो सकता है बहुत सारे पॉइंटेड पीसेस हों, उसमें नुकीले पत्थर हों, लेकिन वो आपस में रब करते 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 बहुत लंबे टाइम के बाद वो खुद भी चेंज हो जाते हैं राउंड शेप स्टोन्स में। ठीक है, कैसे स्टोन्स बन जाते हैं, राउंड गोल गोल पत्थर। इसलिए आप देखते हो नदी किनारे आपको काफी स्मूथ पत्थर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो शुरुआत से स्मूथ रहते हैं, स्टार्टिंग में वो पॉइंटेड रहते हैं, बट बाद में धीरे रबिंग करते 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 काफी लंबे टाइम के बाद वो काफी चिकने हो जाते हैं, साइनिंग आ जाती है उसमें, पॉलिश टाइप का हो जाता है, और धीरे धीरे वो आपके राउंड स्टोन में चेंज हो जाते हैं। ओके, तो दीज, अच्छा देखिए, तो अब ये चार तरह से आपका देखेंगे इरोजन होता है, ठीक है, डिपोजिशन होता है। अब इसकी वजह से अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, अब वो लैंड फॉर्म क्या है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फिलहाल आप इसको इतना रीड कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कितने अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म जो है वो रिवर क्रिएट करती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और जो भी डाउट हो मुझसे आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।